ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में शाम के हरि कथा में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री देवहूति सुत कपिल देव की शुद्ध भगवत भक्ति के शिक्षाओं का श्रवण वर्णन करते आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। कल हमने देवहूति माता जी भोगों से इंद्रिय तृप्ति के भोगों से विरक्त और अज्ञानता से मुक्त होने के लिए विरक्त होकर और भगवान की माया के मोह से अपने आप को मुक्त करके भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र कपिल देव को प्रणाम कर रही है। और फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि माता के भगवान ने तो कहा आप मेरी माता हो, आपको माया क्या कर सकती है। जब आप हमारी माता हैं तो माया आपका क्या करेगी। फिर भी अगर आपने पूछा है तो मुस्कुराते हुए कपिल देव ने कहा आपके माध्यम से विश्व कल्याण के लिए हम अति उत्तम भक्ति योग का उपदेश करेंगे। तो एक सिद्धांत ऐसे मिलता है, अर्जुन मोह में नहीं पड़ा लेकिन अर्जुन को भगवान ने मोह में इसलिए डाला ताकि भगवत गीता विश्व कल्याण के लिए दिया जा सके। ऐसे देवहूति माता जो भगवान की माता होने का सौभाग्य जिसको प्राप्त है वो कोई माया से मोहित नहीं हो सकती है, लेकिन वो निम्रता से अपने आप को माया से मोहित कह के माता है तो जगत का कल्याण के लिए कपिल देव के मुख से श्री मुख से शुद्ध भक्ति का उपदेश और जो
दूसरा एक कपिल देव नास्तिक है, उसने सांख्या दर्शन के नाम से लोगों को भ्रमित किया है, उससे बचाने के लिए ऐसे माता जी ने प्रणाम करके प्रार्थना की। और दूसरी बड़ी अच्छी बात ये समझ में आती है, माता है भगवान की, जन्म देने वाली है, निश्चित रूप से दूध पिलाया होगा, पालन पोषण भी किया होगा, लेकिन फिर भी जीव जीव होता है और भगवान भगवान होते हैं। वो माता के रसास्वादन करा रहे हैं वात्सल्य का, लेकिन माता को जब हृदय में सही ज्ञान होता है कि ये भगवान है तो उसको प्रणाम कर रही है। और पिता कर्दम महान भागवत होते हुए भी भगवान को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके गए। तो ये सिद्धांत है कि भगवान चाहे बालक हो, चाहे नौजवान हो, किशोर अवस्था में हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण सदा रहते हैं, कोई भी उनसे तुलना नहीं कर सकता है, उनके बराबर नहीं होता है, सबको सामान्यतः उनको सादर प्रणाम करना चाहिए। ये सब जीवों का धर्म है, ये माता सिखा रही। अब आज हम शुरू कर रहे हैं, कपिल देव अब बोलना शुरू कर रहे हैं। ये अंग्रेजी में आ गया, हिंदी वाला नहीं है। श्री भगवान वाच योग अध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंत अप्रतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। अब पहले कल कहा था मैत्रेय को भगवान कहा गया था, लेकिन यहाँ जब कपिल देव बोल रहे हैं तो कहते हैं श्री भगवान वाच, तो भगवान नहीं है, श्री भगवान है ये। तो भगवान और श्री भगवान में इतना ही अंतर होता है, किसी बड़े शक्तिशाली भगवान के भक्त को भी भगवान कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा भगवान, नारद भगवान, गुरुदेव भगवान, लेकिन इनमें से किसी को भी श्री भगवान नहीं कहते। तो श्री भगवान का मतलब है लक्ष्मीपति भगवान, तो बाकी सब भगवान में से कोई लक्ष्मीपति नहीं होता है। तो ये श्री भगवान, भगवान का जो पहले शब्द है श्री भगवान वाच, अब कपिल देव ने पहले शब्द क्या, योग अध्यात्मक पुंसाम, जो योग आत्मा अधि आत्मा, जैसे एक आध्यात्मिक शब्द है भगवद गीता में 8वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं आध्यात्मिक किसको कहते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम पुरुष किम कर्म पुरुषोत्तम, ये 8वें अध्याय का प्रश्न है। आध्यात्मिक का मतलब जीव का स्वभाव, अधि आत्मिक जैसे जीव का स्वभाव क्या है, तो कपिल देव कहते हैं जो जीव के स्वभाव के अनुसार है योग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जीव के स्वभाव के अनुसार योग क्या है, नित्य भगवान का सेवक रहना, भक्ति। तो जीव के स्वभाव के अनुसार जो योग है आध्यात्मिक पुंसाम, मतलब मानव मात्र का, जीव का जो आध्यात्मिक योग है, मतो मतलब ये मेरा मत है, ये मैं अपने, जैसे भगवान कहते इति मे मति, ये मेरा मत है, तो भगवान अपना राय देते हैं, ये कैसा है, नेश्रियस मत में, मत के साथ में जाएगा आखिरी वाला, ये मेरा मत है, ये सबके लिए कल्याणकारी है। नेश्रियस भी अगर आपको याद हो तो इसी भागवत के पहले स्कंद में ऋषियों ने पूछना है कि सबका श्रेय क्या है, एकांतिक श्रेय और नेश्रियस का एक ही अर्थ है, अल्टीमेट बेनिफिट। सबका आत्यंतिक श्रेय क्या है, दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रिय, मुझे अच्छा क्या लगता है,
इंद्रियों के सुख के लिए क्या विषय अच्छे लगते हैं, और एक होता है श्री है आत्मा का कल्याण किसमें है। तो इतना समझ लीजिए कि जो इंद्रियों के भोग की वस्तुएं हैं उनको प्रिय कहते हैं, और जो आत्मा का आनंद का विषय है उसको श्रेय कहते हैं। तो आत्यंतिक श्रेय का मतलब आत्मा का कल्याण जिसमें हो, जो आत्मा के लिए अति कल्याणकारी हो उसको नैश्रेय कहते हैं। तो कपिल देव कहते हैं वो योग हम आपको माता बताएंगे जो आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेयकर है। उस योग को प्राप्त करने से होगा क्या? आत्यंत प्रयत्न, जिसके द्वारा सुख और दुख के द्वंद्वों से बिल्कुल व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सुखाय दुखाय च, और शब्द है अत्यंत। अत्यंत का मतलब पूर्ण रूप से, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, और उपरित्य मतलब विरक्त हो जाएगा, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा। तो हम ऐसा योग, प्रभुपाद जी कहते हैं यही सही असली योग है। भगवान ने माता देवहूति को उत्तर देते हुए कहा, जो योग भगवान और, वैसे कहा जाए कि भगवान और जीव आत्मा के संबंध का योग है उसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। वैसे योग का ये तो अर्थ है ही है संबंध, योग का मतलब संबंध जोड़ना। किसका संबंध, किसका से जोड़ना? जीव का संबंध भगवान से जोड़ना। तो ये भगवान से संबंध जोड़ने का जीव के जो योग है, जो सबके आत्यंतिक कल्याण के लिए है, नेश्रियस सबके आत्यंतिक कल्याण के लिए है, जिसके द्वारा हमारे हृदय में वैराग पैदा हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे। किससे? दुख और सुख से, इस भौतिक जगत में। फिर दुख और सुख हमको दुखी और सुखी नहीं कर सकेगा। वैसे तो संसार दुखालयम है, और दुख को कम करते हैं तो थोड़ा सुख का अनुभूति होती है, लेकिन दोनों से ऊपर तो कहाँ जाएगा? दोनों से ऊपर क्या है? आनंद। जहाँ ना दुख है ना सुख है वहाँ आनंद है, तो उसको आनंद की अनुभूति होगी। इस दुनिया में प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी सुख दुनिया का है, भौतिक जो भी सुख है, उस सुख के पीछे दुख खड़ा है। इस दुनिया में केवल सुख है ही नहीं, जैसे आप की जेब में अगर सिक्का है रुपये का, तो उसके दोनों तरफ आपके जेब में, एक तरफ जेब में एक तरफ जेब में, ऐसा नहीं है, दोनों ही तरफ जेब में है। तो इंद्रियों के सुख के साथ दुख तो जुड़ा हुआ ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं दुख उससे अलग किया ही नहीं जा सकता, उसी के साथ जुड़ा है। ये श्लोक कल भी बोला था कि भगवद्गीता के 5वें अध्याय में लिखा है, ये संस प्रसुजा भोगा दुख योनिया एवते। जो इंद्रियों का विषयों के संपर्क से सुख मिलता है, उसी सुख के गर्भ में दुख जन्म लेता है। इसको आधुनिक व्यवसाय की भाषा में कहेंगे, एक लो एक मुफ्त में मिलेगा, एक के साथ एक फ्री। आप संसार का भोग करो और दुख आपको मुफ्त में मिलेगा, आओ ले लो, नहीं लोगे तो भी गले पड़ेगा। तो सुख के पीछे दुख अपने आप बगैर बुलाए आ जाता है, आप ना करो तो भी घर में घुस जाएगा। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा पौष्टिक पदार्थ है दूध, पीना चाहिए, ये तो सुख देने वाला है, लेकिन दूध पीने के लिए गाय पालनी पड़ेगी। अब गाय के लिए चारा चाहिए, फिर गाय को दुहने वाला चाहिए, तो दुख तो पीछे है कि नहीं है? केवल दूध पीना तो अच्छा है, लेकिन गाय पालना तो पड़ेगा, तो गाय पालना वाला दुख तो उसके साथ जुड़ा ही हुआ है कि नहीं है? सारी वृत्ति उस महात्मा की चली गई, जो बहुत प्रभुपाद जी की प्राचीन कथा है,
साधु के पास कुछ भी नहीं था, अकेला गया था और भक्ति कर रहा था बेचारा। लेकिन फिर कोई माँ सेवाधारी आ गया कि क्या सेवा करूँ, बोला पता भी एक गमछा एक ही नहाता हूँ, गीला होता है फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, दूसरा जब सूखेगा तब पहनूंगा, एक और दिला दीजिए, और दिला दिया तो अब उसको सुखाए तो चूहा लेके चला जाए, अब चूहे को भगाने के लिए बिल्ली मंगानी पड़ी, फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, फिर गाय लानी पड़ी, दूध के बगैर बिल्ली चुप नहीं रहेगी, अब गाय आ गई तो गाय को पालने के लिए गाय घरवाली चाहिए, महाराज घर से गए थे भगवान को पाने और गाय और घरवाली लेके घर में आ गए, तो एक सुख के पीछे इतने सारे दुख की लाइन लगी हुई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सुख के पीछे दुख है, आप जिसको सुख मानते हैं उसके पीछे दुख जुड़ा हुआ है। तो ये योग भगवत गीता में इसको भक्ति योग कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं केवल ये जो दुख से ऊपर ले जाने वाला योग है, दुख और सुख दोनों के द्वंद्वों से ऊपर ले जाने वाला योग है, उसका नाम है भक्ति योग। और ये भक्ति योग है उसके लिए प्रभुपाद जी एक शब्द कहते हैं, ये जो योग है ये आत्मा का विज्ञान है, इज अ साइंस ऑफ द स्पिरिट सोल। ये जो योग दुख सुख से ऊपर ले जाने वाला है, आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का विज्ञान है। ये प्रभुपाद जी एक शब्द इतना अच्छा उपयोग में लाते थे प्रचार में कि देखो हम आपको आत्मा का विज्ञान सिखा रहे हैं, ये कोई धर्म की बात नहीं है, मजहब की बात नहीं है कि तुम हिंदू हो तो सीखोगे और मुसलमान नहीं सीख सकते हो, कि ईसाई नहीं आ सकते हो, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, भाई सोना है, अब सोना मेरे पास है मैं देता हूँ तो उसको चाहे हिंदू ले तो उसके पास भी सोना ही रहेगा, अगर कोई मुसलमान ले तो वो तो सोने का सोना ही सोना है, कोई ईसाई लेगा तो भी वो सोना ही है, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है ये सोने के समान है, ये किसी के भी पास है तो उसका हित करने वाला ही है, ऐसे पक्षपात नहीं है। भाई सोना कोई अलग किसी का नहीं होता है कि किसी देश का सोना हो या किसी मजहब का सोना हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सोना सोना ही होता है, ऐसे विज्ञान विज्ञान ही होता है, आत्मा तो आत्मा ही होता है। तो आत्मा का ये योग जो है ये आत्मा का विज्ञान है। अब आगे कपिल देव जी कहते हैं, तम इमं ते प्रवक्ष्यामि, ये आगे इसको बढ़ाओ, यम अवोचम पुरांगहे ऋषीणां श्रोतो कामानां योगं सर्व अंग नैपुणम्। तो मानो कोई माता जी पूछे कि आप पहली बार ये हमको सुना रहे हैं, बोला नहीं नहीं पहले मैंने नारद आदि महान ऋषियों को ये योग का उपदेश किया है। कहते हैं तम इमम, इसको पहले हमने प्रवक्ष्यामि प्रवचन किया है, किसको किया है पहले, ऋषि नाम ऋषियों को पहले मैंने ये बताया है। अपनी माता को संबोधन कर रहे हैं निष्पाप माता, प्रांगे ऐसे अंग कहते हैं निष्पाप को, अनंग अनंगे, पुरुष को कहेंगे अनंग, माता को कहते हैं अनंगे, हे निष्पाप माता, हे पवित्र मेरी माँ, पहले जो मैं आपको उपदेश देने जा रहा हूँ ये पहले मैंने ऋषियों को दिया। किसके ऋषि को दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती नारद आदि को दिया। और ये कैसा है, सर्व अंग, ये परिपूर्ण है अपने आप में, नैपुणम, इसको आसानी से अभ्यास में लाया जा सकता है और सब कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि इसके लिए घर छोड़ के हिमालय में जाना पड़ेगा और बहुत पठन परिश्रम करना पड़ेगा, आप समझो कि क्या मैं स्त्री हूँ इसको कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, सभी लोग कर सकते हैं, ये सबके लिए सरलता से संपन्न हो सकने वाला
मैं आपको योग का अभ्यास सुनाने जा रहा हूँ। तो कपिल देव जी कहते हैं, हे मेरी पवित्र माता, हे मेरी जिसको कहे पुण्य माँ, मैं आपको प्राचीन योग जो पहले मैंने ऋषियों को बताया है, ये सब इसका पालन कर सकते हैं और आसानी से इसका अभ्यास किया जा सकता है। कोई भी इसमें न कर सके ऐसा नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं देखिए, अगर ज्ञान का मार्ग आपको लेना है तो उसके लिए पहले ब्राह्मण होना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण ही गुरुकुल में जाएगा, दीक्षा होगी, जनेऊ पहनेगा, तब वेद को हाथ लगाएगा। अगर आपको योग का अभ्यास करना है तो यम नियम आदि पालन करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको यज्ञ कर्म कांड कराना है तो बहुत सारा धन होगा, तब होगा। तो सब लोग वो नहीं कर सकते, सब लोग ज्ञान का मार्ग नहीं अपना सकते हैं, सब लोग योग का मार्ग नहीं अपना सकते हैं, सब लोग यज्ञ आदि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने का अधिकार सबको है, जैसे राजा की सेवा करने का अधिकार सब प्रजा को है। एक मंत्री भी सेवा कर सकता है और एक झाड़ू निकालने वाला भी राज की सेवा कर सकता है। मानव तो मानव, पशु भी भक्ति कर सकते हैं। गजेंद्र पशु है, वो भी भगवान की प्रार्थना करके भगवान को पा रहा है, और रामचंद्र की सेवा में जो गीधराज जटायु लगे, वो तो बेचारा पक्षी है, वो भी भक्ति कर सकता है। वृंदावन की गैया भगवान श्री कृष्ण की प्रेम से दूध पिलाने की इच्छा से उनकी बांसुरी के ऊपर प्रेम में मुग्ध हो जाती, वो भी भक्ति कर सकती है। तो भक्ति ऐसी है जिसका बच्चा भी कर सकता है। बच्चा ज्ञान तो नहीं आ सकता है, लेकिन हरे कृष्णा तो बच्चा भी कह सकता है। तो ये इतना सरल है कि सभी इसका पालन कर सकते हैं, इसमें से कोई। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बड़ी अद्भुत कहते हैं कि अगर ये कृष्ण भक्ति सबके हृदय में भगवान ने भेज के नहीं डाल के होती डाली होती भेज के नहीं भेजा होता तो अमेरिका के अंदर और ये पाश्चात्य देश के लोग ये कैसे भक्ति में आते? तो इनके अंदर तो पहले थी, हमने तो केवल इनको हरे कृष्ण जपाया, ये भक्ति इनकी जागृत हो गई। इसका मतलब भक्ति तो पहले से भगवान के डाल के सब में भेजी। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाई, तो ये अगर उनके हृदय में नहीं होता तो बाहर कैसे निकलता? उदाहरण ये देते हैं कि भाई बच्चे में अगर चलने का सामर्थ्य है नहीं तो आप कितना भी उसको प्रयास करो नहीं चलेगा, लेकिन बच्चे के अंदर चलने की पहले से शक्ति होती है, आप थोड़ा उंगली पकड़ो चलना शुरू कर देता है। लेकिन आप बच्चे को उड़ाने के लिए कितना भी प्रयास करो उगड़े उड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं। तो कृष्ण भक्ति सबके हृदय में पहले से पड़ी हुई है, बस उसको केवल जगाना है, चाहे वो देसी हो या परदेसी हो, काला हो या गोरा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो ये सभी कर सकते। तो ऐसा भगवान जब कोई मार्ग बताते हैं तो सार्वजनिक होता है, सार्वभौमिक होता है, सर्वकालीन होता है। भगवान का मार्ग सब लोगों के लिए होता है, सब समय के लिए होता है और सब जगह के लिए होता है। भगवान ऐसा नहीं बता दें कि भाई कोई एक वर्ग करे या एक देश करे, ऐसा नहीं। भगवान सर्वदेशी है, एक देश के नहीं है। भगवान सर्वकालीन है, सदा रहते हैं, एक काल में नहीं रहते। तो उनकी शिक्षा भी ऐसे होती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कपिल देव कोई नया योग का आविष्कार नहीं कर रहे हैं, वो जो प्राचीन योग की पद्धति है जो लुप्त हो गई थी उसको पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। वो कहते हैं जो प्राचीन पद्धति है जो ग्रे बड़े बड़े ऋषियों को पहले हमने बताई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ माता जी। रूपा जी कहते हैं ये आजकल के ध्रुत योग के नाम में नए नए योग के नाम निकाल के बेचारे सादे मनुष्यों को भ्रमित करके लूट रहे हैं।
ये कौन सा योग है, ये फलाना मेरा योग है, ये वो योग है, योग के नए नए नाम निकालें। बोले ये कपिल देव भगवान है, कहता मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो प्राचीन है उसी को समझा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा मैं आपको जो ज्ञान देने जा रहा हूँ पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, वही दे रहा हूँ, नया नहीं कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा इस भगवद गीता का अद्भुत श्लोक है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। भगवान कहते हैं जो मैं आपको बात सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये एक तो मानव जाति के लिए है और ये नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये कोई दूसरा आए कहे कि ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे बदल दो, इसमें ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये नित्य है, शाश्वत है। ऐसे बात से बहुत सी जगहों के पहले ऐसे था, ये ठीक नहीं था, अब इसमें ये परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान की मत में कोई परिवर्तन नहीं है। जब परिवर्तन होता है तो वो मत ही बिगड़ जाती है, इसलिए भगवान को दोबारा पुरातन मत को पुनः स्थापित करने के लिए आना पड़ता है। जो धर्म पहले भगवान ने दिया, लोगों ने उसको बिगाड़ दिया तो वो लुप्त हो गया, भगवान उसी को वापस पुनः प्रकाशित करने के लिए आते हैं। और फिर जैसे अर्जुन को कहा जो पहले मैंने सूर्य को देव को दिया था आज आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब ये चीज़ वही है लेकिन अब आपको मैं नए सिरे से दे रहा हूँ। हाँ, चीज़ वही पुरातन है लेकिन अब नए ढंग से, नए नमूने में, नए माहौल के लिए दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ वही है। तो यहाँ कपिल देव ने माता जी को कहा जो पहले मैंने ऋषियों को योग दिया, इससे क्या बात स्थापित होती है? तीन बातें स्थापित होती हैं। जो कपिल देव बताने जा रहे हैं गुरु के स्थान के ऊपर बैठ के, माता जी ने उनको गुरु के स्थान पर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठ के प्रार्थना कर रही, तो गुरु क्या बोलता है पहले शास्त्र होना चाहिए और दूसरा साधु सम्मत होना चाहिए। तो कहते हैं पहले साधुओं को ये बताया है, सबने इसको स्वीकार किया है और ये प्राचीन पद्धति है शास्त्र की, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो हरेक गुरु, यही प्रभुपाद का शिक्षा का मूल सिद्धांत है कि जो हमारे पूर्व आचार्यों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, जो शिक्षा दी है, उसी को वैसे ही बोलना हमारा धर्म है। बस इतना है, देश काल के अनुसार उसी भाषा में सरल उदाहरणों के साथ समझाना आपका कार्य है, लेकिन सिद्धांत वही होना चाहिए, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि मैं कोई बड़ा अपने आप को पूजनीय महात्मा नहीं मानता, मैं कहता हूँ मैं एक डाकिया हूँ, मैं एक पत्र वितरण करने वाला हूँ, जो भगवान ने आपके लिए संदेश दिया है वही मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं वो कोई भी फेर नहीं कर रहा हूँ, कोई बिगाड़ नहीं कर रहा हूँ, कोई काट नहीं रहा हूँ, कोई इसमें जोड़ नहीं रहा हूँ। आपके भाग में अगर 1,00,000 रुपये का कोई पुरस्कार निकला है तो आपका, और आपकी चिट्ठी में आपका कोई मर गया है तो मैं उसको ऐसे का ऐसे दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि साधु, शास्त्र और गुरु, गुरु जो वचन कहे वो शास्त्र में प्रमाणित होने चाहिए और वो साधु समाज में भी सम्मत होने चाहिए। अब कपिल देव जी कहते हैं चेत खलवस्य बंधाय, मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तं बंधाय, रत्तं वपुंसि मुक्तये। तो पहले शब्द क्या है? चेतः। चेतः का यहाँ अर्थ है मन हमारे बंधन का कारण भी है और मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। चेतः, चेत का अर्थ हमारी चेतना भी होती है और चेत का अर्थ कहीं हृदय होता है, कहीं मन होता है। तो यहाँ इसका अर्थ लिया है मन। चेतः खलौ अस्य बंधाय, ये जीव के बंधन का कारण भी मन है, और मुक्तये चात्मनो मतम, और उसकी मुक्ति का भी कारण यही है, ये मेरा मत है। तो मानो कहे के बंधन का कारण क्या है, तब कहते हैं
गुणेशु सक्तम बंधाय। जब ये मन प्रकृति के तीन गुणों में आसक्त होता है तो बंधन पड़ जाता है। इसको मन कहें, जैसे भगवत गीता में कहा है मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। वहाँ जो छठे अध्याय में श्लोक है वैसे यहाँ कहा है, मन जब गुणों के ओर आसक्त होता है, मन का गुणों में आसक्त होना। वैसे चित्त, अगर हमें चित्त को चेतना कहें तो भी जिसकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों में भोग की ओर आकर्षित होती है वो बंधन का कारण है। बोला मुक्ति का साधन क्या है? रतिम, रतिम का मतलब आसक्ति, रति का मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति। रतिम वा पुंशी, पुंशी का मतलब भगवान परम पुरुष में अगर हमारी आसक्ति हो जाए तो मुक्ति का रास्ता हो जाएगा। तो मन ही बंधन का कारण है माता जी, और मन ही मुक्ति का साधन है। एक उदाहरण महात्मा देते थे कि ताला है, चाबी को एक तरफ घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ वही चाबी घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। तो मानो के ये मन है चाबी, ये जीव को अगर प्रकृति की तरफ मोड़ देते हैं तो बंधन में डाल देता है, और ये मन भगवान की तरफ मोड़ देते हैं तो मुक्त करा देता है, ताला खुल जाता है। बस इतना ही, करना कुछ नहीं है, एक चाबी है, इधर घुमानी है या उधर घुमानी है। ये मन है प्रकृति का अंग एक दृष्टि से। आप भगवत गीता में इस मन के लिए दो सिद्धांत सुन लीजिए, ममाईवांस जीवलोके जीव भूत सनातन मन शिष्टानी इंद्रियाँ, मन और पांच इंद्रियाँ छः प्रकृति स्थानी कृष्ण ये प्रकृति ने दिए। और फिर दसवें अध्याय में सुनिए भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियाणाम मनस्चास्मि, इंद्रियों में मन में मन हूँ। अब मन की दो स्थितियाँ यहाँ है, एक मन इंद्रियों में गिना जाता है जो इंद्रियों का स्वामी है, जो प्रकृति से तरके आया है और प्रकृति में ही जाना चाहता है, और दूसरे मन को भगवान, दूसरे मन को मतलब मन के लिए दूसरा भगवान कहते हैं मेरी विभूति है, जो जिसकी विभूति है उसी में, उसी के चरणों में जाएगी तभी शांति पाएगी और कहीं टिकने से सुखी नहीं हो पाएगी। तो जब मन भगवान की विभूति है तो केवल मन भगवान में लगेगा तभी शांति और तभी मुक्ति और तभी बंधन से छुटकारा पाएगा। तो मन के ये दोनों दृश्य स्थितियाँ भगवद गीता में बहुत स्पष्ट दिख रही है। तो मन बंधन का कारण भी मन है और मुक्ति का कारण भी मन है। गुणों में आसक्त मन, गुणों में आसक्त का मन का मतलब प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से जिसका स्वभाव बन जाता है वो संसार के भोग में लोभ में लग जाता है तो वो बंधन में पड़ जाता है। वही मन अगर भगवान के हवाले किया जाए, भगवान ने भगवद गीता में कुछ नहीं मांगा है जीव से, केवल कहा है मैं अर्पित मनोबुद्धि, मुझे मन दे दो, तेरा मन मेरे को दे दो, क्योंकि मन तेरे को बंधन में डाल देता है, तुम अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे, इसलिए तुम मन मेरे को दे दो तो मुक्त हो जाओगे। तो मन भगवान को देना यही तो भगवद गीता का रहस्य है। अर्जुन ने अपने घोड़ों की बाग भगवान के हाथ में दे दी, इंद्रियां हैं घोड़े और मन है लगाम, जिसने लगाम रूपी मन भगवान के चरणों में सौंप दिया उसका तो रथ सुमागर रग में जाएगा, सुमार्ग में जाएगा और मुक्त होकर भगवान के चरणों की प्राप्ति करेगा, और जिसने मन को इंद्रियों के वश में छोड़ दिया, धायते मनोरथे न बाही, मन के रथ के ऊपर चढ़ के इंद्रियां बाहर भोग में घूमेंगी तो बंधन में पड़ जाएंगी। तो ये योग कौन सा है? वैसे जब भी योग की बात करते हैं आप देखें योग का अर्थ क्या है, संबंध स्थापित करना, कोई भी योग का साधन हो लेकिन योग जब शब्द आएगा तो उसमें काम होगा मन के द्वारा, मन के द्वारा ही बंधन और मुक्ति है। और भगवान भी भगवत गीता में भक्ति की बात भी करते हैं तब कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा विचार करके मन को मुझ में लगा के भक्त बनो, तब भी मन उधर ही भी आ रहा है
भक्ति में भी मन ही लगता है। मई अर्पित मनोबुद्धिर भक्ति, भक्ति भी मन से होती। भाई गोपियों ने भगवान को क्या दे दिया था, जो भक्ति की परिकाष्ठा है, श्रोमणी है, भक्त श्रोमणी गोपियों ने भगवान को क्या दे दिया, मन। भगवान को अपना मन ही तो अर्पण किया था, तो मन भगवान को देना, जिसकी उसी की विभूति है उसी को दे दो, तो फिर बंधन मुक्त हो गया। और मन इंद्रियों के पीछे भागेगा तो बंधन का कारण बनेगा। अब कपिल देव जी कहते हैं, अहम मम अभिना, अहम मम अभिनान उठई, अहम मम अभिमान उठई, काम लोभादिभिः मलहि, वीतम यदा मनः दुःशुद्धम् अदुःखम असुखम समम्। अब जो कहा कि मन गुणों में आसक्त होता है तो क्या होता है, ये अगर माता पूछे कि हे पुत्र कपिल देव, ये मन गुणों में आसक्त होता है तो क्या होता है, तो कपिल देव जी कहते हैं, मन अगर गुणों में आसक्त होगा तो पहले आदमी कहेगा मैं और मेरा, अहम मम अभिमान। अभिमान का यहाँ अर्थ है गलत धारणा। किस बात की गलत धारणा, मैं और मेरा, मैं शरीर को मानना और मेरा शरीर के संबंध की वस्तुओं को मेरा माना, घर, गाड़ी, बिजनेस, पुत्र, पत्नी आदि को अपना मानना, ये हो गया मेरा। मैं और मेरा अहंकार उठई उसके द्वारा प्रकट हुए हैं, और इससे हुआ क्या, काम लोभ आदि, ये काम और लोभ ये रजोगुण का प्रभाव है। भाई रजोगुण से क्या आता है, काम और लोभ। रजो रागात्मक लोभ संगे न बंधनात्, तो रजोगुण का जब प्रभाव होता है तो इच्छाएं उत्पन्न होती है, काम का प्रभाव बढ़ता है, प्रभाव काम का बढ़ता है, और लोभ तीव्रता से बांध देता है। और मैं और मेरा ये अहंकार है, वैसे ये कहा जाए तो तमोगुण है, वीतम जब इसको छोड़ दिया जाए, इससे मुक्त हुआ जाए। और एक शब्द क्या लिखा है, काम लोभ आदि, आदि का मतलब क्या है, काम लोभ के साथ प्यार क्या होगा, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध होगा, लोभ के साथ और क्या होगा, लोभ के पैसा आएगा तो मद होगा, अहंकार मद होगा, तो मल ही, मल ही का मतलब ये कचरा है, मल का मतलब गंदगी, ये एक कचरा है गुणों का, ये कचरा है। वीतम यदा, अगर आपने इससे छुटकारा पा लिया, इसको आपने अपने आप को इससे मुक्त कर लिया, मन शुद्धम, फिर मन शुद्ध हो जाएगा। तो मन शुद्ध हो गया तो अब अशुद्ध मन कैसे है, तीनों गुणों के प्रभाव से मन अशुद्ध हो जाता है, और तीनों गुणों का प्रभाव समाप्त हो गया तो मन शुद्ध हो गया, तो मन शुद्धम, मन शुद्ध हो जाता है। और फिर न दुख का पता लगता है, न सुख का पता लगता है, दुख और सुख दोनों में सम रहता है, दोनों में उसका जीवन सम हो जाता है। जब कोई अपने हृदय को अच्छी तरह से, मन को मल से पवित्र कर लेता है, कौन सा मल है, काम लोभ आदि के मल से, और झूठे अहंकार में और मेरे से अपने आप को पवित्र कर लेता है, तो फिर उस स्थिति में भौतिक दुख और सुख की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। प्रभुपाद जी कहते काम लोभ ही इस भौतिक जगत में बंधन का कारण है। ये जगत में सब लोग फंसे हुए क्यों नहीं है, क्यों है, उसकी पहचान क्या है, काम और लोभ। और यही प्रभुपाद जी ने अमेरिका में उतरने के समय कहा था,
कि मैं आया तो हूँ यहाँ, लेकिन ये सारे लोग रजोगुण में काम और लोभ में भाग रहे हैं और तमोगुण में बिल्कुल मद पागल की तरह भाग रहे हैं। तो ये भौतिक सभ्यता के पहचान के लक्षण है, ये को लोभ और काम। कुछ साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा आर्थिक गिरावट आया है उसका मुख्य कारण है लोभ। लोभ वैसे पाप का बाप है, जितने भी पाप होते हैं उनके पीछे लोभ मुख्य कारण है और लोभ रजोगुण का मुख्य फल है। रजोगुण काम से लोभ, काम मतलब इच्छा, और ले जाएगा लोभ में। तो जब तक ये रजोगुण, ये सारा संसार, प्रभुपाद जी कहते हैं इस रजो और तमोगुण के, ये उनके पहचान है संसार की। ये मन चेतना जो जीव है, जीव का अस्तित्व जो जीव का है, उसकी पहचान है, उसका पता लगता है चेतना से। और चेतना मन के कारण दूषित होती है। चेतना के दूषित होने का कारण है मन। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसका मतलब जीव के साथ मन और उसकी चेतना जुड़ी हुई है। इसका अर्थ क्या है कि जब मृत्यु होती है तो यह शरीर यहाँ समाप्त हो जाता है जो पांच भौतिक तत्वों का बना हुआ है, लेकिन जीव आत्मा के साथ मन तो साथ ही जाता है ना सूक्ष्म शरीर में। तो जब हम जीव आत्मा कहते हैं इसका मतलब बद्ध जीव आत्मा। बद्ध जीव आत्मा का मतलब जिसका अभी सूक्ष्म शरीर गला नहीं है और सूक्ष्म शरीर मन का ही बना हुआ है और चेतना दूषित है उसकी, क्योंकि मन में मल है। कौन सा मल है? काम और लोभ का मल है, इसलिए वो बद्ध जीव है, इसलिए उसकी चेतना दूषित है और इसलिए वो अभी तक बंधन में है। तो जब भी हम जीव कहेंगे तो उसका मतलब उसकी चेतना और मन उसके साथ हैं। तो जीव बगैर चेतना और मन के नहीं होता। बस यही अंतर है बद्ध जीव में और मुक्त जीव में। बद्ध जीव की चेतना दूषित होती है और मुक्त जीव की चेतना शुद्ध होती है। बस इतना ही अंतर है। चेतना शुद्ध हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए तो मुक्त है, और भौतिक मल से मलिन मन जो है वो बंधन का कारण है। बस इतना ही अंतर है। चेतना दूषित है मन के कारण, और मन चेतना और आत्मा तीनों साथ चलते हैं जीव। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं नारद पंचरात्रा में ऐसे लिखा है कि हमारा मन और इंद्रियां पवित्र होते हैं तत्परतवे न निर्मलम। हमारी मन और इंद्रियां पवित्र होती हैं भक्ति के साधनों से। जब भक्ति के साधनों में लग जाते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां पवित्र हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं मन को खाली नहीं रखा जा सकता है, मन को सेवा में लगाना ही पड़ेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है, तो मन को कहीं ना कहीं लगा के रखना होगा। ये तो पुरानी कथा सबने सुनी होगी, कभी कभी भक्त इसका ड्रामा करके भी दिखाते हैं। कभी हम पुराने ज़माने में सुनते थे तो कथा ऐसी थी कि कोई संत के पास एक सेठ जी आता था सत्संग सुनने के लिए, फिर 15 दिन महीना आया नहीं। तो सेठ ने कहा क्यों जी आप सत्संग में नहीं आ रहे हैं? बोला काम धंधा बढ़ गया है, समय नहीं मिलता है। बोला सत्संग में तो आना चाहिए, दुनिया तो चलती रहेगी। फिर 2-4 दिन आया, महीना 2 महीना नहीं आया। फिर जो आया बोला हमारी कोठियां अब सब जगह दुनिया में हो गई हैं, ब्रांचेस खुल गई हैं महाराज, आदमी मिलते नहीं हैं। आप सिद्ध पुरुष हो, कोई हमारे को ऐसा काम के लिए व्यक्ति दिला दो कि वो काम की देखभाल करे, हम सत्संग में आ जाएंगे। तो महात्मा ने उसको कहा देखो मैं तो बड़ा सिद्ध हूँ, मेरे पास एक जिन है, वो जिन मैं आपको दे देता हूँ, आपका सब काम कर लेगा, जो काम कहोगे करेगा, बस उसकी शर्त एक ही है,
अगर कोई काम नहीं दिया तो आपको खा जाएगा। बोला महाराज इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, हजारों आदमी करते हैं थक जाते हैं, तो ये थकेगा ना, अपने आप थक जाएगा, मुझे चिंता नहीं, आप दे दीजिए। इसको जिन दे दिया, घर में जाके सुबह ये उठा और नाश्ता करके ये कहा जितने का क्या आ गया है। बोला हमारी बॉम्बे की कोठी का समाचार ले आओ। अभी तो ये बेचारा हाथ धो रहा है नाश्ते का, आ गया, बोला ये है रिपोर्ट ले लो। बोला हमारी लंदन की कोठी का समाचार लेके आओ, अभी तो कपड़े पहनना है तब तक समाचार आ गया। बोला अमेरिका की कोठी का गाड़ी में बैठने से आ गया, काम सब पूरा हो गया। बोला अब, बोला अब कुछ नहीं, बोला अभी तो तुम्हारे को खाऊँगा, तुमने कहा था काम नहीं दोगे तो खाऊँगा। बेचारा गया नहीं ऑफिस, सीधा चला गया महाराज के पास। बोला महात्मा आपने क्या कौन सा ये आदमी दिया है, सुबह 9 बजे से पहले सब काम पूरा हो गया, अब काम है नहीं, वो मुझे बोलेगा खाएगा। बोला मैंने कहा था आपको, आप उसको काम नहीं देगा तो खाएगा। बोला अब क्या करें। बोला अब ऐसे करो, ये माला ले जाओ, उसको हाथ में दे दो, उसको बोलो काम पूरा हो जाए तो एक तरफ से हरे कृष्णा जपना, जब दूसरे तरफ पहुँचो तो उल्टे तरफ से शुरू करना, बस ये जपते रहना, जब तक काम हो तो बुला लिया करो, नहीं तो माला जपने में लगा दिया करो। बोलो महाराज ये कौन सा साधन है और ये है कौन। बोला ये तेरा मन जिन है, काम में नहीं लगेगा, तेरे को परेशान करेगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो भगवान के नाम में सुमरण में इसको लगा दो, नहीं तो तुम्हें परेशान कर करके दो दो बाल रोज़ खिंचवा के निकाल के गंजा कर देगा। ये बहुत बड़ा ये दुष्ट है, बड़ा मन, ये मन बड़ो दुष्ट, मन शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन को सिखाया है। वैसे पहले गुरुजनों के लिए शिक्षा ये होती थी कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो पहला शिष्य है आपका, जिसका शिष्य मनीराम हो गया उसको दूसरा शिष्य बनाने का अधिकार है, जिसका मन ही वश में नहीं है वो किसी और शिष्य को नहीं बनाए, नहीं तो स्वयं भी परेशान होगा, शिष्य तो वैसे ही डूबेगा लेकिन गुरुजी को भी लेके डूबेगा। इसलिए पहला शिष्य वैदिक जो वेद में शिक्षा है, पहला शिष्य गुरु का अपना मन है। और ये रूप गोस्वामी ने कहा है, पहले क्या लिखा है, मन वेगम, पहला क्या शब्द है, हाँ वाचो वेगम मन, दूसरे नंबर पे मन है, तो ये मन जो है ये पहला शिष्य जिसका हो जाए, अगर आपका मन आपके बस में है तो आप दूसरे को शिष्य बनाओ, अगर आपका ही मन बस में नहीं है तो दूसरा, पहले जमाने में कहते दो ही शिष्य बनाने का अधिकार है, पहला अपना मन, दूसरा एक और, ये वैदिक काल में ऐसा कहा करते थे कि उसके बाद कुछ करना है तो करो। तो ये मन सबसे बड़ा मुश्किल, इसको पवित्र मन ही हमारे काम का है, मन को खाली नहीं किया जा सकता, इसको केवल पवित्र किया जा सकता है। मन पवित्र हरि नाम लिए, मन कैसे पवित्र होगा, बोला तन पवित्र सेवा किए, ये शरीर पवित्र होगा सेवा करेंगे, चाहे झाड़ू निकालें, चाहे माला बनाएं, चाहे भोजन बनाएं या सेवा करें, बर्तन धोएं, शरीर पवित्र होगा सेवा करने, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दियो दान, भाई धन कमाते हैं उसके साथ कितने लोगों के कर्म आते हैं, कितने लोगों के दोष आते हैं, उसको पवित्र करना है तो भगवान की सेवा में लगा दो। धन पवित्र दियो दान, मन पवित्र हरि नाम लिए, और मन पवित्र होता है जब भगवान का नाम लेते हैं, इस विद हो कल्याण। यहाँ अगर चेत शब्द है, ये चेत बंधन का कारण है, तो फिर इस चेत को शुद्ध कैसे किया जाएगा, तो चेतन महाप्रभु का पहला शिक्षाष्टम का श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम से ही मन को पवित्र किया जाएगा, चेतना को पवित्र मन कर किया जाएगा। चेतना पवित्र कैसे होगी, हरि नाम से। ये कॉन्शियसनेस, चेतना का मतलब हमारी जो चेतना है जो दूषित हो गई है वो पवित्र होगी भगवत नाम से। इसलिए गौड़िया वैष्णव में सब साधनों से प्रबल साधन है भक्ति, और भक्ति के अंगों में तीन मुख्य अंग भागवत में बताया है, श्रवण कीर्तन और स्मरण।
इन तीनों में भी मुख्य है कीर्तन, और कीर्तन में भी नाम कीर्तन है, रूप कीर्तन है, गुण कीर्तन है, भगवान की लीला का कीर्तन है। भागवत पढ़ रहे हैं, ये लीला का कीर्तन है। इन सारे तीन प्रकार के कीर्तनों में भी नाम कीर्तन सबसे मुख्य है, और नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है। साधन अवस्था में भी हरे कृष्णा जपना है और गोलोक में जाके भी हरे कृष्णा ही जपना है, तो ये साधन भी है और साध्य भी है। इसके लिए प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की भाषा में उदाहरण देते हैं आम का। कच्चा भी आम होता है, पक्का भी आम होता है। जब हम साधन करते हैं तो कच्चा आम है हरा, फिर थोड़ा पीला होता है, फिर जब गोलोक जाते हैं तो पक्का हुआ रसमय आम हो जाता है। आम तो आम ही है, चाहे कच्चा हो या पक्का हो। साधन में भी नाम है और पक्का होके भी नाम ही जपना है, तो नाम हमारा सबसे मुख्य साधन है। तो ये जो रोज़ नाम जपते हैं, इस एक को अगर हम शुद्धता से जपेंगे, अपराध से मुक्त होके जपेंगे, तो ये नाम, इसके अंदर भगवान का गुण भी है, रूप भी है, लीला भी है, सारे इसी के अंदर हैं, और ये सारे ही अपने आप स्फुरित होने लगेंगे हृदय में। कब? जब चेतना शुद्ध हो जाएगी, मन का मैल धुल जाएगा, तो ये हृदय, प्रभुपाद जी के शब्दों में, ये हृदय दूरदर्शन बन जाएगा, और भगवान की सुंदर मनोहर लीला हृदय के ऊपर धारावाहिक स्फुरित होने लगेंगी। तो ये मन को पवित्र करना भक्ति से, सेवा में लगने से होगा। अब कहते हैं कपिल देव जी, तदा पुरुषात्मानां केवलं प्रकृतेः परम् निरन्तरं स्वयं ज्योतिर् अनिमानं अखंडितम्। ये 17, 18 और 19, ये तीनों श्लोक, ये तीनों श्लोक, ये कैसे, ये अभ्यास शुद्ध जब हो जाएगा चेतन, तो आत्मा कैसी है उसका हमको पता लग जाएगा। मन शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, तो पहले तदा, तदा मतलब उसके बाद, किसके बाद, जब मन शुद्ध हो गया उसके बाद, पहले मन शुद्ध हो गया ना, तदा मन शुद्ध होने के बाद जो जीव है वो अपने आप को आत्म साक्षात्कार के स्तर पे पहुंच जाता है। आत्मा नाम अपने आप को केवलम, केवलम का अर्थ है बहुत शुद्ध, शुद्ध मतलब सच्चिदानंद जो जीव का स्वरूप है उसको प्रकृति ही परे, प्रकृति से परे है वो, देखेगा कि प्रकृति में नहीं हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ। ये हो गई जीव की चेतना की शुद्धि। इसको कहते हैं अज्ञान का पर्दा हट गया, उसको आत्मा के ज्ञान का बोध हो गया। आत्मा के ज्ञान का बोध हो गया तो स्वयं ज्योति, आत्मा कैसी है, ज्योति का यहाँ है अज्ञानता का दूर होने के प्रकाश हो जाना। अज्ञान जम तम नास्यामि आत्मभावस्थो, जैसे भगवान किसी के हृदय में प्रवेश करके अंधकार को नाश करते हैं, तो ज्योति से प्रकाश, ज्योतिर का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, तो आत्मा के अपने ज्ञान के स्वरूप का वो देखता है। और निरंतरम, निरंतरम का मतलब ये है कोई अंतर नहीं है, न अंतर, निरंतर, अंतर नहीं है कोई, किस में अंतर नहीं है, तब कहते हैं अंतर ना, प्रकृति से परे है, प्रकृति से परे है, मतलब इसका उसको मालूम हो जाएगा कि जीवात्मा प्रकृति के दिए हुए शरीर से अलग चीज़ है, ये आत्म साक्षात्कार उसको हो जाएगा। और वो कितना जीव है, अणु है,
वो छोटा सा है। भगवान विभु है और जीव अणु मात्र है। भगवान भी कहते हैं कि जीव मेरा अणु अंश है, ममाई वंश जीवे, और अखंडितम। अखंडितम का अर्थ है ऐसा नहीं है कि भगवान टुकड़े टुकड़े होकर जीव बना है या जीव के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका एक भाव ये है कि चींटी के अंदर जो आत्मा है और हाथी के जो अंदर आत्मा है उसी के नाप तोल में कोई अंतर नहीं है। वहाँ बड़ा नहीं है, वहाँ छोटा नहीं है, वहाँ टेढ़ा नहीं है, आड़ा नहीं है, सबके अंदर अखंडितम है। इन सब शब्दों का प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से मायावाद का खंडन किया है। वो कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो माया के लेप में आ गया है। तो जीव जब खंडित ही नहीं होता है तो अलग कैसे होगा? तो खंडित होगा तब हो, ये अखंडित जीव है तो फिर इसको अलग कैसे आपने कर लिया? और ऐसा भी नहीं है भगवान, जैसे आपके पास नारंगी है और उसके खोल के और छिलके से एक एक उसकी फाल खा जाओ कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान के अंदर से जीव निकले तो भगवान खोखला हो गया। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और जीव उसका छोटा सा अंश है। तो ये सब जीव के प्रमाण दिया गया है कि इसका पता कब लगेगा? जब मन शुद्ध हो जाएगा तो जीव की इस स्थिति का पता लग जाएगा। ज्ञान वैराग्य युक्ते न भक्ति युक्ते न चात्मना परिपश्यते उदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। अब कहते हैं ज्ञान वैराग युक्ते न, ज्ञान और वैराग के साथ, और भक्ति यो भक्ति युक्ते न चात्मना। इसका अर्थ ये लिखा है कि ये स्थिति केवल ज्ञान और वैराग से नहीं होगी, भक्ति से युक्त होगा तब ज्ञान और वैराग अपना कार्य दिखाएंगे। बगैर भक्ति के ज्ञान और वैराग फल नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग, ज्ञान और वैराग भक्ति के सहायक हैं लेकिन भक्ति के अंग भी नहीं हैं। 64 अंग जहाँ शिला रूप गोस्वामी भक्ति के लिखते हैं साधन, उसमें न ज्ञान अंग है न वैराग अंग है। ये सहायक हैं भक्ति के, और इससे होगा क्या? वो देखेगा, परिपश्यते अच्छी तरह से देखेगा, प्रकर्षेण रूपेण पश्यति उदासीनम। जीव उदासीन है, उदासीन है का मतलब ऊपर बैठा हुआ है, प्रकृति से परे है, वो केवल उदासी है प्रकृतिम च, और हत ओजसम का मतलब है प्रकृति के गुणों का प्रभाव उसके ऊपर होगा ही नहीं, प्रकृति के गुणों के प्रभाव की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। घत ओजसम, ओजसम का मतलब उसका बल, उसकी शक्ति वो कम हो जाती है, किसकी? प्रकृति की। वो उस जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी ने वैक्सीन लगाई हुई है तो उसको बीमारी नहीं लगती है, बीमारी होती है लेकिन उसने पहले से टीके लगाए हुए हैं, पोलियो के ड्राप पिए हुए हैं तो पोलियो तो है लेकिन उसको नहीं लगेगा। ऐसे जिसने भक्ति का टीका लगा लिया है, माथ में माला लेके हरे कृष्णा जप रहा है तो भौतिक दुख सुख आएंगे लेकिन उसको प्रभावित कर नहीं पाएंगे, उनके ऊपर उनका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसने जैसे कोई आदमी अपने ऊपर जैसे एक ऐसा कपड़ा पहन लेता है फिर आग में चला जाएगा, जलता नहीं है क्योंकि वो फायर प्रूफ उसने पहना हुआ है। हाँ, कोई कपड़ा ऐसा प्लास्टिक का कपड़ा पहन के पानी में जाएगा तो भीगेगा नहीं क्योंकि उसने वाटर प्रूफ कपड़ा पहना हुआ है। तो भक्ति जो है उसका धारण करने से जीवन में भगवान की भक्ति, ये प्रकृति के तीनों दुख जो देने वाले कारण हैं ये उनसे प्रूफ हो जाएगा, ये दुख प्रूफ हो जाएगा भक्त, उसके ऊपर प्रकृति के फिर ये प्रभाव डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ऐसे आत्म साक्षात्कार की स्थिति पे ज्ञान और वैराग जो भक्ति के ऊपर आश्रित है,
उसका जब आश्रय ले लेता है तो वो भौतिक जगत से अपने आप को अलग मान लेता है और उसके ऊपर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे बीमारी से बचने के लिए पहले से ही वही साबुन से हाथ धो लिया तो बीमारी के कीटाणु अंदर नहीं जाएंगे, ऐसे भक्ति का साधन कर लिया तो भौतिक दुख नहीं मिलेंगे। वैसे सारा इसके अंदर एक सार है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य पहले आए हैं तो सारे आचार्यों ने कहा है कि पहले हमने भागवत में सुना है वासुदेव भगवती भक्ति, जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं आसव बहुत जल्दी ज्ञान वैराग अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, तो ज्ञान वैराग भक्ति का फल है, इनसे भक्ति नहीं उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान वैराग उत्पन्न होता है। तो यहाँ भक्ति का ज्ञान और वैराग कौन सा है? भक्ति का ज्ञान है कृष्ण संबंधी ज्ञान, कृष्ण का संबंध ज्ञान कि कृष्ण से हमारा, वो हमारा स्वामी है, हम सेवक हैं, वो हमारा मित्र है, हम उसके मित्र हैं, सखा हैं, ये जो ज्ञान है संबंध ज्ञान ये भक्ति का पोषक है। कोई वैराग कौन सा भक्ति का पोषक है? तो ऋषि रूप गोस्वामी कहते हैं युक्त वैराग भक्ति का पोषण है। युक्त वैराग का मतलब है कृष्ण के काम के आने वाली चीज़ों को स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगानी चाहिए लेकिन इंद्रियों के भोग की चीज़ों का त्याग करना चाहिए, अपने भोग की चीज़ों का त्याग करना चाहिए, भगवान की सेवा की चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसको युक्त वैराग कहते हैं, ये भक्ति का पोषक है। शुष्क वैराग जो है ज्ञानियों का वो भक्ति में बांधा है। वैसे योग में ज्ञान के लिए चाहिए दम, सम और दम, इंद्रियों और मन को रोकना, योग में चाहिए यम और नेम, ये अंग है ज्ञान के और योग के, भक्ति के ये अंग नहीं है, भक्ति के ये दोनों अंग नहीं है। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और किसी के ऊपर कृपा करके ये भक्ति मिल जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है भक्ति से तो फिर भौतिक कोई भी कष्ट भक्त को नहीं लगता। अब आगे भक्ति को कैसे करना चाहिए ये तीसरा श्लोक है, इस साधन कैसे किया जाए उसका। न युज्यमानाय भक्त्याय भगवते अखिलात्मने सदृशो अस्ति शिवपंथा योगिनां ब्रह्मसिद्ध्ये। भगवान के प्रति जब तक भक्ति नहीं की जाती है और कोई योग का साधन काम नहीं आएगा ना, और कोई योग का साधन, दूसरा कोई योग का साधन, न कर्म योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, ये कभी भी बगैर भक्ति के फल नहीं देते। पहला ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि आत्म साक्षात्कार में सिद्धि कभी भी दूसरे योग से नहीं होती है जब तक कि भक्ति भगवान के और परम पुरुष भगवान के लिए हृदय में भक्ति जागृत न हो, क्योंकि यही एक शिव पंथ कल्याणकारी मार्ग एक ही है, भक्ति का एक ही प्रभुपाद जी ने भागवत में लिखा है रॉयल रोड है, ये राजमार्ग है, आंखें बंद करके भी चाहोगे तो कहीं गिरोगे नहीं, भक्ति का मार्ग ऐसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कभी भी ज्ञान है वैराग है ये भक्ति के बगैर किसी कोई फल देने वाले नहीं हैं। भक्ति करनी है तो उसके लिए ब्रह्म सिद्धये, इसका अर्थ है ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर अपने आप को समझना, इसका मतलब भौतिक बंधनों से मुक्त होना।
वही भक्ति से ज्ञान और वैराग उत्पन्न होते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, केवल ब्रह्म का साक्षात्कार करना पूर्ण सिद्धि नहीं है, केवल परमात्मा का साक्षात्कार करना भी पूर्ण सिद्धि नहीं है। ज्ञानी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, समझते हैं सिद्धि हो गई, वो पूर्ण सिद्धि नहीं। योगी परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वो भी पूर्ण सिद्धि नहीं है। जब तक भगवत साक्षात्कार के स्तर पे नहीं पहुँचते, वो केवल भक्ति से हो सकता है, उसको पूर्ण सिद्धि कहते हैं। तो यहाँ जो ब्रह्म सिद्धि है, ये पूर्ण सिद्धि। अब ये प्रश्न होता है कि ऐसी ये भक्ति का साधन जिससे पूर्ण सिद्धि मिले, उसको कैसे पाया जाए, उसके लिए रास्ता क्या है। तो आने वाले चार श्लोकों में भक्ति को पाने के लिए क्या रास्ता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर कल इससे आगे की कथा करेंगे। ये 20वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदो सैव साधुषो कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। प्रसंगम अजसरम, अजसरम अजरम पाशम, पाश का मतलब रसा, अजरम का मतलब बहुत स्ट्रांग। ये जो आसक्ति है, प्रसंग का मतलब प्रकृष्टेण रूपेण संग, जो भौतिक जगत से हमारा संग हो गया है, आसक्ति हो गया है, ये बहुत ही जकड़ के बांधने वाला रस्सा है। आत्मनः कवयो विदुः, जीवात्मा को सब बुद्धिमान विद्वान कवि कहते हैं, यही बंधन का कारण है। तो फिर आसक्ति कहाँ रखें, आसक्ति तो छूटेगी नहीं। तब कहते हैं सएव साधो, सएव साधो कृतो, वही आसक्ति वही प्रसंग अगर साधु के प्रति हो जाए, भगवान के भक्त के प्रति हो जाए, मुक्त द्वारम अपावर्तम, और मुक्ति के दरवाजे खोल देता है। तो अब इस श्लोक से ये पता लगता है कि आसक्ति समाप्त नहीं हो सकती। कभी कभी लोग कहते हैं भगवत गीता त्याग का शास्त्र है, लेकिन भगवत गीता में भगवान तो कहते हैं मई आसक्त मन अपार्थ, भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मुझ में आसक्त करो, कहाँ भगवान कहते हैं अनासक्त हो जाओ। तो यहाँ साधु में आसक्ति हो जाए, भगवान के भक्तों में आसक्ति हो जाए, तो फिर संसार के बहुत भारी गुणों के बंधन से तत्काल मुक्ति हो सकती है। तो फिर साधु के लक्षण कैसे हैं, तटस्थ लक्षण कैसे हैं, साधु का स्वरूप लक्षण क्या है, और साधु के संग का लाभ क्या है, ये चार श्लोकों में कपिल देव मुख्य रूप से कहेंगे। कल हम इसका श्रवण करेंगे। यहाँ वाणी को विराम देते हैं 20वें श्लोक के ऊपर। यहाँ इसका तात्पर्य में मुख्य रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं आसक्ति समाप्त नहीं हो सकती है, आसक्ति को हमको सही जगह पे लगाना चाहिए। आसक्ति हमारी भगवान के भक्तों में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम के जप में हो जाएगी तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलिए जी। पहले हमने जो विश्वास को ज्ञान दिया, तो ये हमारे बाप
नहीं, ब्रह्मा सृष्टि ज्ञान की बात, चलो इसके ऊपर भी कल ही चर्चा करेंगे। अब मतलब सब उठ भी गए हैं लोग। हरे कृष्णा। वैसे सृष्टि के आरंभ में पहले जीव ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को जो भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गए और कोई था ही नहीं। भगवान ने संकल्प किया ब्रह्मा के हृदय में सारे ज्ञान प्रकट हो जाएं और सारा वेद का ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बनाया, उसमें एक सूर्य भी है जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने अविनाशी योग का ज्ञान दिया। एक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को तो सारे वेदों का ज्ञान दिया है, इसलिए ब्रह्मा आचार्यों की लिस्ट में आते हैं। सूर्य को परंपरा में नहीं गिनते हैं। सूर्य को एक बार भगवान ने अविनाशी योग का ज्ञान दिया जो भगवद गीता का विषय है, और सूर्य से पहले भी भगवान ने इस परंपरा में किसी को ज्ञान दिया है उसका भी वेदों में वर्णन है। अब वो मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी दिया है। तो ब्रह्मा का ज्ञान जो है, ब्रह्मा के बाद ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन किसी को, जैसे अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जैसे देवहूति माता को कपिल देव ज्ञान दे रहे हैं, ये विशेष अनुकंपा और अनुग्रह है भगवान का। कुछ अपने भक्तों को ऐसे ज्ञान देते हैं, लेकिन आदि ज्ञान वेद गर्भ ब्रह्मा है, उसी को ही भगवान ने पहले ज्ञान दिया है। से किसी और को भी भगवान ज्ञान दे सकते हैं, कभी भी किसी को दें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा जी को हंस के रूप में आके अलग भी ज्ञान दिया है, हंस अवतार में। तो ऐसे ज्ञान भगवान कभी, इसका एक सिद्धांत समझ लिए, भगवान किस ज्ञान किसी को भी दिव्य मिला है सिर्फ भगवान से मिला है और किसी के पास नहीं। हरे कृष्ण।